संगाणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने विद्यालय पर झड़ा ताला। 4 घंटे बाद शिक्षक लगाने के आश्वासन पर खोला ताला। साइला उपखंड के सांगाणा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी से नाराज विद्यार्थियों और अभिभावकों ने विद्यालय गेट पर ताला झड़कर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यालय में कुल 21 पद स्वीकृत हैं, लेकिन विद्यालय में महज 7 शिक्षक ही कार्यरत हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस विद्यालय में एक भी व्याख्याता नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने के साथ साथ उनका भविष्य भी संकट में पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन की सूचना के बाद साइला नायब तहसीलदार महेश दवे व शिक्षा विभाग के RP लुम्बाराम चौधरी, ASI उत्तम सिंह चौकी प्रभारी बाबूलाल मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों की समस्या सुनकर समझाइश की। वहीं शीघ्र निस्तारण करवाने का ठोस आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। सड़क पर रखे पत्रों को हटाया व स्कूल गेट खुलवाया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय स्वीकृत पद अनुसार शिक्षक नहीं होने से अध्ययन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। वहीं पिछले साल बोर्ड का रिजल्ट भी काफ़ी निराशाजनक रहा। ऐसे में ग्रामीणों में भारी रोष है। अभिभावकों व विद्यार्थियों को ठोस आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि अब्बास खान, सोसाइटी अध्यक्ष गणपत सिंह सहित विद्यार्थी व अभिभावक मौजूद रहे। मेरा नाम इस्लाम खान, मैं कक्षा 11 सांगाना से हूँ। और यहाँ पे टीचरों की कमी है, उर्दू का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, विज्ञान का नहीं है, राजनीति का नहीं है, हिंदी अनिवार्य का नहीं है। यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला है नहीं। स्कूल में जो हाजिरी भी हम खुद भरते हैं, कोई पढ़ाने वाला है नहीं, नहीं फर्स्ट ग्रेड का है, नहीं सेकंड ग्रेड का, कोई टीचर भी नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है ये टीचर नहीं आएंगे 12 बजे तक। यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है। क्यों नहीं आ रहे? पुलिस प्रशासन सिर्फ एक आया है और नहीं कोई एक, सिर्फ रामाराम जी यहाँ आके खड़े और हमारे गाँव का सरपंच आया है। जब तक 12 बजे तक कोई यहाँ नहीं आया था, हम सांगाणा फाटा वाला हाईवे से हम करें। स्कूल में बच्चे हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। 21 पोस्ट स्वीकृत हैं, उसमें से 7 टीचर लगे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाई में भारी परेशानी हो रही है। पॉलिटिकल साइंस का टीचर है नहीं, मेरे ख्याल से इंग्लिश का है नहीं, और किसका नहीं है? विज्ञान का नहीं, साइंस का है नहीं। बच्चे बहुत परेशान हैं। आपकी क्या मांग है? अभी तुरंत प्रभाव से ये पोस्ट है जो खाली है उनको भरे। अभी तक कोई आपको आश्वासन मिला है क्या? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसमें छात्रों की क्या मांगे थी और किस आश्वासन छात्र माने? बच्चों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगाणा के बच्चों की सूचना मिली थी कि बच्चे स्टाफ की कमी के कारण से और एक व्याख्याता है उनके ट्रांसफर होने के कारण से उत्तेजित हो गए थे और उन्होंने स्टाफ की कमी को लेकर बात करना पसंद किया था। तो सूचना मिलने पर मौके पर पहुँचे और बच्चों को समझाइश की। एक इंग्लिश की मैम उनकी कमी थी, तो उनके लिए 3 दिन के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था शिक्षण किया गया है। और निकाली तो छुट्टियों के बाद में व्याख्याता के लिए भी नज़दीक के विद्यालय से 2-3 दिन के लिए इस विद्यालय में और 2-3 विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था करने का उनका आश्वासन दिया गया। और शिक्षण व्यवस्था यदि तब तक यदि पदोन्नति से यदि कोई व्याख्याता नहीं आता है तो हम नज़दीक के विद्यालय से उनकी शिक्षण व्यवस्था CDO सर के निर्देशानुसार कर दी जाएगी। बच्चों ने धरना समाप्त कर लिया? हाँ, बच्चों ने आश्वासन दिया और एक शिक्षण व्यवस्था उनकी कर दी गई है और एक PO सर तक से और शिक्षण व्यवस्था उनकी हो गई है और बच्चों ने धरना व्यवस्था खत्म कर दिया और व्यवस्थित शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो गई है।